नमस्कार, आप देख रहे हैं टेक्निकल ग्रीवा। मैं हूँ ग्रीवा और स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। स्मार्टफोन हर साल ज़्यादा से ज़्यादा लोकप्रिय होते जा रहे हैं। अब इनमें या तो बैटरी लाइफ को बढ़ाना होगा या फिर नए चिप्स को ज़्यादा से ज़्यादा शक्तिशाली बनाना होगा ताकि यूजर्स को हर रोज इसे चार्ज ना करना पड़े। लेकिन ओकीटेल के पास इस समस्या का समाधान है। चीनी स्मार्टफोन निर्माता WP19 नामक एक नए स्मार्टफोन की घोषणा की है जो कि 21,000 mAh की बैटरी के साथ आता है। दूसरे शब्दों में समझिए तो अब आपको इस हैंडसेट के साथ अपने चार्जर की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये बड़ी बैटरी पैक डिवाइस को लगभग पूरे सप्ताह तक चलने में सक्षम बनाता है और आधिकारिक दावों के अनुसार WP19 फोन 122 घंटे तक लगातार कॉल समय, 123 घंटे का ऑडियो प्लेबैक, 36 घंटे का वीडियो प्लेबैक और 2252 घंटे यानी कि 94 दिन का स्टैंड बाय टाइम दे सकता है। आपको बता दें कि इस बैटरी में एक कमी है क्योंकि इसमें 27 वाट फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट मिलता है, इसलिए ये बैटरी को पूरी तरह से चार्ज करने में लगभग 4 घंटे का समय लगाता है। नया ओकीटेल एक मजबूत स्मार्टफोन है जिसमें IP68, IP69 डस्ट और वाटर प्रोटेक्शन है। इस फोन में 6.78 इंच का डिस्प्ले है जिसमें फुल HD+ रेजुलेशन और 90Hz रिफ्रेश रेट मिलता है। ओकीटेल WP19 मीडियाटेक हेलियो G95 प्रोसेसर पर काम करता है जिसे 8GB रैम और 256GB इंटरनल स्टोरेज के साथ जोड़ा गया है। इस फोन के पीछे की तरफ ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप मिलता है जिसमें 64MP का प्राइमरी सेंसर, 2MP का मैक्रो कैमरा और 20MP का सोनी नाइट विजन IR मॉड्यूल भी है। इसके अलावा इसमें 16MP का सेल्फी शूटर भी है और ये डिवाइस एंड्रॉयड 12 OS पर चलता है। फिलहाल ये फ़ोन अभी Amazon और Flipkart पर उपलब्ध नहीं है बल्कि AliExpress से ख़रीदने के लिए उपलब्ध है और इसकी कीमत लगभग 57,604 रुपये यानी कि $742 है। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।